दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की लपटें मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के किसान भी दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब उतर आए हैं। ग्वालियर से किसानों के 3 जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी इनमें शामिल हैं। कृषि विधेयकों के विरुद्ध किसान आंदोलन का समर्थन अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। छात्रों के एक ऐसे ही समूह ने ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव करने की भी इस बीच कोशिश की थी। किसानों के लिए मांग कर रहे हैं हम। किसान पुत्र हैं और जो कृषि विधेयक है उसको वापस लेने की मांग करते हैं और हम पूरी तरह से किसानों को समर्थन कर रहे हैं। हमारे संगठन जो देख रहे हैं आप, नया संगठन है युवाओं के लिए हमने बनाया गया है। जो भी समस्या है उसके लिए काला हाथ नाम से संगठन का नाम है। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कहीं कोई कार्यक्रम करने की अनुमति ली है और अचानक कोई आदमी खड़े होकर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करेगा तो निश्चित रूप से पुलिस को उसको अपने अभिरक्षा में लेने के लिए स्वतंत्र। मैं भी पूछताछ करता हूँ, लेके आए देखता हूँ क्या उनका उद्देश्य है। नहीं, मेरे पास तो केवल उनका बोर्डर की सूचना आई थी पब्लिक से कि ये कोई बैनर लेके खड़े हुए हैं और हमें लगा इनने कोई सूचना दी नहीं है और ना इनने कोई अनुमति ली है। इनको थाने लगा रहा, इनसे पूछताछ करते किसानों के लिए मांग कर रहे हैं हम।